सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रो। कल के मंडे नाइट रॉ को होने में लगभग 5 से 6 घंटे बाकी रह गए हैं और गाइज, कल के रॉ के एपिसोड में हमें फाइनली काफी लंबे समय के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैकइंटायर वर्सेस रॉलिंस का मैच होने वाला है। तो क्या इस वाले मैच में टाइटल चेंज हो जाएगा, तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। चलिए सेलिब्रिटी को शुरू करते हैं। अब गाइस, काफ़ी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में ये वाला मैच हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखो गाइस, इस वाले मैच में काफ़ी चीज़ों को एक्सपेक्टेशन लगा के सब लोग बैठे हैं। हो सकता है कि इस वाले मैच में टाइटल चेंज हो जाएंगे, किसी एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन का हमें रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में ट्रिपल एच ऑलरेडी हमें टीज करके बता चुके हैं और मैं अपने चैनल पर वीडियो भी बना के बता चुका हूँ कि मे बी वो सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं या डेव बटिस्ट होने वाले हैं या बटिस्टा का भी हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और गाइस, कल का मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है वो नॉर्मल सा रॉक एपिसोड नहीं होगा कि बल्कि मंडे नाइट रॉ का डे 1 का एपिसोड होने वाला है। तो गाइस, ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मे बी गाइस हमें न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और कोई नहीं बल्कि ड्रू मैकइंटायर देखने को मिल सकते हैं। हाँ गाइस, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच होगा उसमें WWE के पास अगर कोई हमें सरप्राइज देना होगा, क्योंकि WWE डे 1 पे-पर-व्यू को करती है जब 2021 में, आई थिंक 2021 या 2022 में होता है, तो WWE हमें सरप्राइज देती है। तो हो सकता है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें एक सरप्राइज ये देखने को मिल जाए कि मैकइंटायर हमारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नजर आ जाएं।